खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा महानगर में हो रही समस्याओं को समाधान को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही नगर निगम का घेराव भी किया गया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि सीवर लाइन की खुदाई के कारण लगभग सभी सड़कें खुदी हुई हैं और प्रदेश में हो रही भारी बरसात के चलते इन खुदी हुई सड़कों के गड्ढों में पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते नगर निगम क्षेत्र में डेंगू महामारी चरम सीमा तक फैलती जा रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि सहसपुर क्षेत्र में शहर के गंदे कूड़े के लिए ट्रैचिंग ग्राउंड बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी के कारण स्थानीय निवासियों को इस गंदगी के कारण तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैचिंग ग्राउंड को भी तुरंत हटाया जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम जो यहाँ नगर आयुक्त हैं गौरव जी, उनको एक ज्ञापन देने आए हैं कि महानगर निगम में जो क्षेत्र की समस्या है, सबसे मेन समस्या इस टाइम डेंगू की चल रही है। पूरे क्षेत्र में इतने खड्डे हो रखे हैं, जल भराव हो रखा, उस कारण पूरे क्षेत्र में लोग बीमार हो रहे हैं डेंगू के कारण। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ी बात है कि पथ प्रकाश, शहर में लाइटें नहीं है, खंभों में खाली लाइट लाइट लगी हुई है, लाइट जलती नहीं। उसके कारण क्या है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। उसको लेकर आज हमने उनको ज्ञापन दिया और ये कचरा जो हमारे गंदगी है उसको उठाने के लिए भी हमने उनको कहा, ये जहाँ जहाँ गंदगी है उसके कारण भी बहुत महामारी फैल रही है, उसको भी उसको तुरंत उठाया जाए।